खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वर्क में पूरी फिल्म में इतनी ईमानदारी हो, पूरी यूनिट की मेहनत दिखे और खूब पब्लिक का आशीर्वाद मिले और अच्छी कास्ट क्रू है, अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं, अच्छी स्क्रिप्ट है और किसी अच्छा बाद मैसेज भी दे रही है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप देख लो, रील ये है और रियलिटी में इसको अच्छे से ले लो तो इसके बहुत बढ़िया मैसेज है कि गुंडागिरी कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी नहीं है, उसके रिजल्ट ये हैं, वो फिल्म उसको दर्शाती है। तो ये फिल्म गुंडा को नहीं प्रमोट कर रही है, जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उनका क्या हश्र होता है उनका बुरा वो दिखा रही है। और वैसे ही सिकंदर भाई और ये टीम हमारी अच्छी, हम लोग पिछले जब हम लोग एक्टिंग में शुरुआत कर रहे थे तब से हम लोग दोस्त हैं। तो एक नाड़ा पांडे फिल्म थी हमारी बहुत अच्छी, श्री आनंद जी ने लिखी थी, तो ऐसे ही करते क्योंकि वो भी पृष्ठभूमि एक है लेकिन कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो रोल हमारा बहुत पसंदीदा रोल था। मैंने कहा भोजपुरी में अगर ये फिल्म बनती है तो मैं ज़रूर इसका नाड़ा पांडे का रोल करना चाहूँगा। तो वो फिल्म सिकंदर भाई ने और हम लोगों ने पहले ही उस पर मेहनत करके रखी थी, तो ये फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ और उसकी शुरुआत हम लोग दीपावली के आसपास वो फिल्म बनाने जा रहे हैं। और मैं भी खुश हूँ कि मैं जिस तरीके से, क्योंकि मैं भोजपुरी सिनेमा जो है वो शौक के लिए करना चाहता हूँ, रोजी रोटी नहीं, क्योंकि रोजी रोटी के लिए तो थिएटर से लेकर बहुत कुछ हिंदी सिनेमा ने बहुत कुछ दे दिया है। तो ऐसी फिल्म करूँ जिसमें हमारे 33 करोड़ भोजपुरी लोग हैं या जो पूरे विश्व में जो भी उस फिल्म को देखे वो आशीर्वाद दें, मैं उस तरीके की फिल्म देखना चाहता हूँ। उस पर ऐसी स्टोरी मिल गई इसलिए हम लोगों ने हाथ मिला लिए और हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारी ज़रूरत है भोजपुरी के लिए,
क्योंकि जितना मैं भोजपुरी समझता हूँ कि हमारे देश में इतनी लैंग्वेज है, भोजपुरी एक बड़ी एक अलग सी मिसाल है, एक अलग सी मिठास है। भोजपुरी एक बहुत बड़ा कल्चर है, लेकिन मुझे लगता है विश्व के सामने भोजपुरी का जो कम्युनिकेशन है वो मिसकम्युनिकेशन है। भोजपुरी में जो परिवार रहते हैं, आप विश्वास करिए, मुझे नहीं मालूम कि फिल्में क्या, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे लिए सौभाग्य होगा कि अगर भोजपुरी के 33 करोड़ लोग हैं, इस फिल्म को 3300 करोड़ बच्चे से लेकर बूढ़े तक एंजॉय कर पाएँ, किचन में देखें, मंदिर में देखें या मस्जिद में देखें, कहीं भी देखें, फिल्म का एंजॉय करें, स्वस्थ मनोरंजन लें और स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। गुंडा फिल्म बनाने में मुझे 9 महीना लग गया, क्योंकि शूटिंग से जाने से पहले मैंने काफ़ी प्री प्रोडक्शन जो होता है, कहानी सेटिंग सारे कुछ बैठ के, क्योंकि जो प्लानिंग किया जो 25 दिन में हो गया तो हमने 20 दिन में करके आ गए। मेरी प्लानिंग इतना स्ट्रांग था और सारे लोग इतने थे हमारे साथ, इतने हैप्पी थे, लोगों ने बोला यार मुझे भोजपुरी में हम लोग यही फिल्म में किया, लेकिन ऐसी फिल्म लग रहा है कि फैमिली माहौल है, कोई गंदगी नहीं कुछ नहीं। तो हमारी फिल्म क्या बहुत अच्छे मूड से बना है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, गाने अच्छे हैं, फैमिली भी माँ अपने माँ बहन भाइयों के साथ देख सकते हैं। पिक्चर हमने ऐसा बनाया क्योंकि हमको भी गंदगी से बहुत ही ऐसे बहुत दूर लगा। गाना आपने देखा ही है, गाना है, कहानी है, डायलॉग है, लोकेशन है, सब कुछ आपको फ्रेश मिलेगा। एक्चुअली रिवील नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि फिल्म देखें आपको आइडिया आएगा। इसमें आपको सब कुछ है, मसाला फिल्म, म्यूजिक है, गाना है, एक्शन है, डायलॉग है, आपको पूरा एक मसाला फिल्म है। और बाकी आप पिक्चर जब देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगा, और मैं कहानी ओपन करना नहीं चाहता। एक अच्छा प्लॉट था, मुझे अच्छा मिला, मैंने उस तरह से प्रपोज किया और एक्ट किया, क्योंकि मैं 30 साल मुझे इंडस्ट्री हुआ, 30 साल का अगर मैं प्रपोज किया तो कुछ बेटर सब्जेक्ट मिला होगा, मैंने किया। और दूसरी फिल्म है राजपाल भाई जो शुरू कर रहे हैं, और नाड़ा पांडे हम लोग ऑलरेडी 2 साल से वर्क कर रहे हैं, 2 साल से, और वो कहानी इतना अच्छा बन के आ गया, श्री आनंद जी लिख रहे हैं, अभी उसकी नेक्स्ट बुक शुरू करेंगे। नाड़ा पांडे ही गुंडा पार्ट, वही नाड़ा पांडे, अच्छा गुंडा पार्ट। असल जिंदगी बात की जाए हमारी आने वाली फिल्म गुंडा, जिसका आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, बहुत ही प्यारा ट्रेलर बनाया है इकबाल जी ने, और इस फिल्म में मेरे साथ डेब्यू कर रहे हैं विनोद जी, इनकी ये फर्स्ट फिल्म है, लेकिन ट्रेलर देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि इनकी ये फर्स्ट फिल्म है, इन्होंने बहुत मेहनत की है और उसका आउटपुट इतना प्यारा आया है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सीधे साधे हैं, और सीधे साधे को गुंडा बनाने में टाइम लगता है, और स्क्रीन पे तो आपको हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही होगी, बट ऑफ स्क्रीन हमारी केमिस्ट्री ना बहुत झगड़े होते थे स्क्रिप्ट को लेके, डायलॉग्स को लेके और बॉडी लैंग्वेज को लेके, और हम लोग बहुत झगड़ते थे, और ये हमारी बात मानते भी थे कि नहीं आप सही कह रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, और उसी का आज आउटपुट ये आया। एक मेरा यू टर्न पॉइंट है जीवन का, कि एक जो सोच के मैंने अपने करियर को शुरुआत किया था उसका इसको यू टर्न पॉइंट कहेंगे, कि लाइफ को मैंने एक नया मोड़ दिया है अपने जीवन के करियर का, जो मैंने गुंडा से शुरुआत किया। एक नाम गुंडा है, एक फिल्म है, और बहुत अच्छी फिल्म है, जो सिकंदर सर ने मेरे को एक अच्छा मौका दिया, इसके बाद मेरी पूरी टीम ने काम किया मेरे साथ में, और मेरे साथ अंजना मैम ने बहुत अच्छा काम किया, हालांकि गलतियों पे झगड़ा भी होता था, डांटती भी थी, समझाती भी थी, और मैं उसको एक्सेप्ट करता था कि जी मैम दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर गलती कहीं है, मैं नया हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं था, वो एक नया चीज़ थी तो मैं समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे अब समझने लगा हूँ कौन चीज़ कहाँ से होती है, और वो गलतियाँ जो मेरी हो मैंने छुपाया नहीं, उसको मैंने एक्सेप्ट किया और आगे डेवलप किया, और आज रिजल्ट देख करके ऐसा लगा कि वो गलती मानना ही मेरे लिए अच्छा था, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आज दिखा, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा कभी नहीं, वो चीज़ नहीं है, देखिए जो चीज़ होती है सीनियर और जूनियर हो तो हर इंडस्ट्री में है, ठीक है, लेकिन जूनियर को अपनी जूनियरिटी को में के दायरे में रहना चाहिए, और मैं अपने दायरे में रख के काम किया। शुरुआत हुई एक्चुअली सिकंदर भाई एक कहानी लेके आए थे मेरे पास, बोले एक फिल्म बनानी है, एक नए लड़के को लॉन्च करना है, जिसका नाम विनोद है, वो बनारस में रहता है। कहानी पढ़ी, सुरेंद्र मिश्रा जी ने लिखी कहानी, बहुत अच्छी कहानी थी। इस फिल्म की शुरुआत वहीं से हुई आज से 6 महीने पहले। इस फिल्म में हीरो नया था विनोद यादव, बट उसका डेडिकेशन, उसकी मेहनत बहुत ही, मतलब बहुत ही हुनर है उसमें एक्चुअली लड़के में, और वो एक दिन बहुत अच्छा एक्टर बनेगा, वो
बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत ही डेडिकेशन के साथ में काम किया उसने। दूसरे आर्टिस्टों ने विनोद को बहुत सपोर्ट भी किया है, और सुशील सिंह ने, अंजना सिंह, गुंजन पंत, सिकंदर भाई ने, मतलब सारे लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया, और उसने काम भी बहुत ही अच्छा किया, और आगे वो बहुत अच्छा काम कर सकता है उतना यकीन है मुझे। और रिकी मास्टर जी ने उसको मतलब वो सिखा दिया जो वो नहीं जानता था, क्योंकि जब तक मैं सेट पे पहुंचा तब तक एक्शन हो रहा था जब मैं पहुंचा था, क्योंकि मैं एक दिन पहले गया था और मुझे लोकेशन देखना था पहले कि कहाँ कौन सा गाना करना है। तो इन्होंने जो विनोद जो एकदम ही रॉ है, ऑलरेडी उनका एक पैर तोड़ चुके थे, हाँ तो मैं बोलूँ तो गाने के लिए वो इंजर्ड हो गया, वैसे ही वो रॉ है ऊपर से, लेकिन उसने पैर में रोज रात को बाम लगा के गर्म पानी में सेक के रोज सुबह खड़ा रहता था 6 बजे।